कैसे हैं आप? तो चलो बच्चों, आज हम हिंदी में करने जा रहे हैं स्वर ए। ऐसे ऐना जो मैंने पहना है, इसे हम लोग हिंदी में चश्मा भी कहते हैं और शुद्ध हिंदी में ऐनक भी कहते हैं, है ना। तो चलो, ऐसे ऐना जो मैंने यहाँ पर चित्र बोला है, अब इसे हमें हिंदी के कई रूप में किस तरह से लिखना है वो हम देख लें। सबसे पहले हमें हिंदी की नोटबुक में लिखते वक्त बड़ी लाइन होती है, वहां पर लिखना है, बड़े स्पेस में। तो ऐसे ऐना किस तरह से लिखना है, पहले हमें सीधी लाइन जोड़नी है, फिर तिरछी लाइन करके हमें हल्का सा यहाँ पर टर्न करना है, मोड़ देना है, और फिर वापस सामने एक सीधी लाइन जोड़ो, अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, देखिए सो इजी। और माथे पे एक स्लिपिंग लाइन यानी आड़ी लाइन दीजिए और ऐ स्वर का मात्रा ऐसे ऐना। फिर से एक बार देखिए बच्चों, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, हल्का सा यहाँ मोड़ दीजिए अंदर की तरफ, फिर सामने फिर से सीधी लाइन जोड़ के अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, माथे पे एक आड़ी लाइन और ऐ की मात्रा दीजिए इस तरह से। फिर से एक बार देखिए, सीधी लाइन, तिरछी लाइन, हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, फिर सामने एक सीधी लाइन अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, माथे पे आड़ी लाइन और ऐसे ऐना। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है, ऐसे ऐना, ऐसे इरावत। आपको इसे इस शब्द को याद करते करते इसे पूरा करना है। ओके बच्चों, बाय।